बताए आपका नाम क्या है? मेरा दो नाम है, लाल चंद है, चंदन है। अच्छा, लाल चंद और चंदन। हाँ। तो आप इस वक्त आ कहाँ से रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दौड़ लगाते लगाते। दौड़ लगाते हुए दिल्ली से आ रहे हैं? आदमी हेल्पर कारीगर सब तो निकालते निकालते ठेकेदार और वार्ड का लाइन सोल लाइन जुगाड़ लाइन का। अच्छा, ये जैसे आप सुन सकते हैं, ये जो है दिल्ली से ये सुल्तानपुर समझ लो पहुँच चुके हैं पैदल। सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं कि इतना ये अपना सुगल जितना ट्रक उरक भिजवा रहा हूँ। हाँ। सब मेरा काम चल रहा है, सब इन्हीं का काम है। हाँ। तो आप, मैं कंपनी के तरफ से हूँ। ये कंपनी की तरफ से हैं और मुझे ये... एक मोबाइल मंगवाइए, थोड़ा कपड़ा उपड़ा चेंज करता हूँ ना, हाथा धोता हूँ, कब तक ऐसे भागते रहूँगा दौड़ लगाऊंगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए एक जोड़ा कपड़ा और एक मोबाइल। हाँ। और प्लस जो है खाना। हाँ, खाना पीना आना चाहिए, कार्टिन से चाहे होटल से पैक करके। हाँ, जो मेरा मतलब खर्चा लगेगा। हाँ। वो तो आना चाहिए मेरे पास। सही है, चल के आना चाहिए, किसी के पास भीख मांगने की मुझे जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, सही बात आ रहा है, तुम मेहनत करके खाने वाले इंसान हो। जब दिल्ली से तुम सुल्तानपुर पैदल जो है सफर कर सकते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत दिए हैं ऊपर वाले। मुझे शंकर भगवान पार्वती माता पूरा फुल दिए साथ। हाँ, साथ ही दिए हैं तभी यहाँ तक अपरे हो। लेकिन कहीं रास्ते में कुछ खाए वाए कैसे ही? रास्ते में अभी थोड़ा बहुत नाश्ता किया हूँ। हाँ। अब फिर आके दौड़ लगा रहा हूँ, देखता हूँ ऐसे कोई मिल जाएगा दुकान वाला तो मान के खा लूंगा। हाँ। अब कहा कि फकीर जैसे मैं भी हूँ, जैसे आया खा लिया तो वैसे जा रहा, कोई दिया नहीं है एक रुपए तक, कोई एक मोबाइल तक नहीं भेजा सके ऑनलाइन से करके। तो एक मोबाइल तो जरूरी है ना गाना मन बहलाने का। हाँ, मोबाइल तो बहुत जरूरी है। तो दुनिया चलती है, इतना दिलवा दियो धन दौलत, ये तो मार्शल भी बुकिंग करके नहीं भेजा सकते हैं क्या? ये भी बात सही है। कितना मैं दौड़ लगाऊंगा? कितना दौड़ लगाएंगे तुम लोग इसमें कमेंट में बताएं, ये भाई कितना दौड़ लगाएंगे। ये दिल्ली से यहाँ तक सुल्तानपुर तक ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, अब तुम लोग ये बताएं कि आखिर ये दौड़ कितना लगाएं। तो तुम लोग जितना हो सके इनका हेल्प करें। कहाँ से हम रवाना हुए, कहाँ से यूपी तक आ गए? हाँ बताओ। तो दिल्ली से यूपी तो हमारे यार दोस्त सब साथ दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से है, तो हमको दिक्कत कहे की है कि जो गली से गुजरते है ना, अपना सेरा बांध के गुजरते, कोई हाथ भी लगा दिए ना तो मेरे बॉडी बिल्डर इतने लगे अगल बगल तो उन्हें उठा देंगे। ये बात तो है। हाँ, किसी से आज तक चोरी चवारी नहीं किया, मेहनत के कमाया खाया हूँ मैं भी, भाटकल चलाया, सोल लाइन चलाया, जुगाड़ चलाया, सब चीज़ चलाया। अपने मेहनत से जैसे खड़ा हुआ हूँ वो तो दुनिया जान गई है। कब किसको अपने रो के कितना अपना गा के का सुबह किसको बताऊँ, किसको सुनाऊँ? सही है, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊँ? तो जब मेरा कोई सुनने वाला है नहीं। बचपने से खिताबारी मेरे पास नहीं थी, घर घर था सिर्फ। अच्छा, मेरे मैं भी छह भाई, दो बहन, माँ बाप सब हैं। अच्छा, तरस अच्छा। रहे कि नहीं मिलने खातिर, तो दुनिया सबके बाप महतारी तरस से सबके लड़के बच्चे हैं। अपने जैसे माना था मैं भी, सबका तो सब होटल रेडी तरह गाड़ी सब गिरवा दिया। अब पैसा तक खर्चा तक क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, एक मोबाइल तक क्यों नहीं आ रहा? कि आएगा आएगा। आपको जो है सुनो, आपको मोबाइल लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत कई डाल, आप कितना करूंगा कि आप चोट मेहनत वैसा नहीं। सुनो, दिल्ली से सुल्तानपुर तक आप दौड़ लगा के पहुंच गए हैं, ठीक है? दिल्ली से सुल्तानपुर तो ये जो दौड़ लगा रहे हैं इसको थोड़ा मेहनत में ऐसा काम करो कि तुम्हारा थोड़ा नाम हो, पैसा भी कमाओ। पैसा के हमको भूख नहीं थी। हाँ। इंडिया का हमको भूख थी, सबको खुशी रखते हैं बराबर अपने जैसे। हाँ। हाँ। आज तक किसी को हम बुरा नजर से कभी किसी के नहीं देखे, देखना भी नहीं चाहिए। भले ही कुर्सी में बैठे हैं। हाँ। सबके बहने बिटिया भाई अपने समझ के रखते हैं कि किसी का आज तक हम बोले तक नहीं है हमारा यू। चलो हम इधर से जो है इधर बता रहे हैं कि ये भाई जो है आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा उमारी पैंसा पड़ता है, खास एकदम पैंसा, पैंसा थाना भी है पैंसा। हाँ, इनका तो आप नाम सुन ही चुके हैं, का क्या नाम बताए? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। उमारी पैंसा सैनी सिराथु मंझनपुर टेवा सांसो भरसवा। अच्छा, अच्छा। इमामगंज इलाहाबाद यूपी। अब कितना अब अपना बस समझ गया, तो इलाहाबाद और ये सब जैसे गरीब जैसे तो मैं भी चल रहा हूँ ना, किसी की दुश्मनी तो नहीं। घर है बताओ? मेरा उमारी पैंसा घर है कि यहाँ से थोड़ा साधन वोधन आप करवाई है, बस उसमें बैठवाई है, थोड़ा निकलू कितना पैदल चलू, अब चल नहीं जाता। साधन क्या, कहीं भी जो है खड़े हो जाओ, गाड़ी वाला है तुमको बैठा करके पहुँचेगा वहाँ तक ना।
वो तो बात वो गाड़ी वाला लेके पहुंचेगा। किसी से हेल्प मांगेंगे? अरे हेल्प करेंगे, हेल्प करने वाले बहुत हैं यहाँ दुनिया में, ऐसा नहीं। अगर हेल्प करने वाले जिंदा नहीं होते तो दुनिया नहीं चलती। किसी से आज तक हमें एक रुपए तक नहीं मांगे। नहीं मांगो मत, हेल्प मांग सकते हो। जैसे अपने पास नहीं है, भीख तक नहीं मांगे। नहीं नहीं भीख मत मांगो, भीख मत मांगो। तो सुनो मैं भी बता दे रहा हूँ, ये समझ लो ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया जा रहा है, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक तुमको जो है हेल्प होगी। ऐसा कुछ नहीं कि ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग जितना हो सके तो थोड़ा बहुत हेल्प करते रहें। ये मेरी आईडी है, इसी आईडी पे जो दिल करे 20 रुपया 100 रुपया जो हो सके इस पे जो है आप कांटेक्ट करके आप दे सकते हैं, भेज सकते हैं, और हम भाई के हवाले करते हैं जो है। वो तो दुनिया है पैसे के पीछे भागते, हम पैसे के पीछे नहीं भागते। पैसे देश खातिर लड़ा हूँ वो तो दुनिया जानती है। हाँ देश के पीछे लड़ते रहो, देश अपना देश महान है, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ तब अच्छा नरेंद्र मोदी भी सही जौन से हीरो आ जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, जितना मेरे को आगे बढ़ाओगे उतना आगे बढ़ते चला जाऊंगा। सही है सही है। जैसे मैं गांजा पीता हूँ, दारू पीता हूँ, सब शराब के नशा करता हूँ, वो चीज मेरे तक नहीं आ पा रहा है। गांजा पी के मैं उड़ान भरता हूँ, दौड़ करता हूँ, मेरी शरीर टूटती है, भोजन नहीं मिलता। आप कैसे ये जो गांजा अफीम चरस इस सब की बात कर रहे हो, ये सब तो पियो ही मत। ये सब तो बहुत गंदी लत है, ये टेंशन में सब होता है भाई साहब। टेंशन टेंशन लो मत, टेंशन दो, टेंशन लेना नहीं चाहिए। चलो टेंशन मेहनत करो, काम करो, सब कुछ बताइए थोड़ा, साधन मिलेगा आपको, साधन मिलेगा। बस आप इस रोड पे थोड़ी आगे जाएंगे, एक मिलेगा चौराहा तुमको इस्लामगंज, इस्लामगंज वहाँ पे तुमको हर एक सुविधा मिलेगी। चलो बढ़िया, वो सुल्तानपुर का सबसे माना जाना चौराहा है इस्लामगंज। वहाँ पे जाओगे, खाली किसी भी होटल के पास पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको पूरी मदद होगी, आपको वहाँ तक भेज दिया जाएगा। स्टेशन आपको है? पैसा भी दिया जाएगा, सब कुछ। स्टेशन है वो? स्टेशन नहीं है, एक चौराहा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत भले आदमी है सब भाई। मुझे अभी थोड़ा बहुत पैसा नहीं मिल सकता है? सब सब वहीं पे मिलेगा, पूरा 100, 50, 500, 1000 सब मिल जाएगा आपको, कहीं पर भी खड़े हो जाओगे। ठीक है, हम यहाँ पे फोन कर दे रहे हैं और तुम डायरेक्ट वहाँ इस्लामगंज पहुँचो, आपको वहाँ पूरी गाड़ी की सुविधा मिलेगी। बड़ा है? हाँ बड़ा चौराहा इस्लाम। चलो बढ़िया, हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं। यूपी इलाहाबाद के रहने वाले सबका अपने जैसे इज्जत, हर भाषा में रुको आती है। चलो चलो ठीक है, चलो अब ठीक है।